शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वो टॉपिक है जिसके बिना ग्रामर हमेशा अधूरा ही माना जाता है। लेकिन ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही ये मेहनत का भी है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि दिमाग लगाने की कहीं जरूरत है नहीं, जिसमें रटना ज्यादा है और समझना कम है। तो इसलिए समझने वाली बात पर तो मैं आपको फोकस करूंगा और वही बात फोकस करनी है, और रटने वाली चीजें जो है वो तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग कुछ अच्छे चैप्टर की ही बात कर रहे हैं, और ये चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर गेस कीजिए, ये चैप्टर है प्रीपोजिशन, ग्रामर का इकलौता चैप्टर, ग्रामर का इकलौता चैप्टर जहां से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, लेकिन समझने से ज्यादा जहां कुछ रटने की बात होती है। बिल्कुल। और हां, अगर समझे ये सोचेंगे कि रटने की बात है तो समझने की क्या जरूरत होगी, बिना समझे तो रट भी नहीं सकते इसमें, ये भी है कि कुछ चीजें तो सीधा रटना ही है, लेकिन कुछ चीजें जो समझने का, और उसको नहीं समझे तो फिर मजा नहीं आएगा। और हाँ, समझे तो बहुत मजा भी आएगा, जो समझने की चीज है उसमें आपको काफी मजा भी देगा। ये तो एक ऐसा चैप्टर, इसमें मजा भी है, मतलब एडवेंचर भी है और मेहनत भी है, दोनों है। पहले प्रीपोजिशन वर्ड की शब्द की बात करते हैं। प्रीपोजिशन शब्द एक्चुअली दो वर्ड से बना है, तो साफ साफ दिख रहा है, एक तो प्री है और दूसरा क्या है, पोजिशन। प्री का मतलब तो आप पहले से जानते हैं, प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। तो और पोजिशन का मतलब क्या, प्लेस करना, किसी को रखना, पोजिशन का मतलब क्या, प्लेस करना। तो प्रीपोजिशन का मतलब ये होगा समथिंग दैट इज प्लेस बिफोर। प्रीपोजिशन का मतलब क्या हुआ, सम दैट या समथिंग, समथिंग कह लीजिए, सम वर्ड कह लीजिए, सम वर्ड कह लिए, दैट इज यूज्ड या प्लेस्ड बिफोर, यानी कोई ऐसा वर्ड जो किसी के पहले रखा जाता है। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड जो किसी के पहले रखा जाता है, प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो किसी के पहले रखा जाता है, मतलब ही इसका यही है, प्रीपोजिशन, ऐसा कोई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी पोजिशन प्री बिफोर, समथिंग दैट इज प्लेस्ड बिफोर, समथिंग दैट इज यूज्ड बिफोर। तो कोई ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल हम पहले करते हैं। अब जरा इसको एग्जांपल समझिए, जैसे हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, एग्जांपल देखना, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसमें जब रटा हुआ आपको तो पता ही है कि ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ऑन जो प्रीपोजिशन है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो वर्ड टेबल है, टेबल के पहले है। तो प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, किसी वर्ड के पहले आता है, प्रीपोजिशन हमेशा किसी वर्ड के पहले आता है, पोजिशन बिफोर। इसलिए मैंने क्या कहा कि पोजिशन बिफोर, किसी के, जैसे ये टेबल है, टेबल के पहले रखा गया। अब एक चीज में ध्यान दो, हम हटा दे रहे हैं यहां, ऑन हम नहीं लिख ही नहीं रहे, हम लिख द बुक इज टेबल, हम लिख द बुक इज टेबल। जैसे हम लिख रहे हैं द बुक इज टेबल बिना प्रीपोजिशन के, तो सिंपल सी बात है कि हमें कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। द पेन इज इन पॉकेट, हम इन हटा दे रहे, द पेन इज इन, द पेन इज पॉकेट। तो जैसे हम कह रहे हैं द बुक इज, द बुक इज ऑन द टेबल, और ऑन को हमने हटा दिया, ऑन को अगर हमने हटा दिया, ऑन को अगर हमने यूज नहीं किया, तो पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि द बुक इज टेबल कोई सेंस नहीं बना, द बुक इज द टेबल नॉनसेंस सेंटेंस, कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं आ रहा। तो प्रीपोजिशन को अगर आपने प्लेस नहीं किया तो सेंटेंस नहीं आया। अब दूसरी बात क्या कि अगर इसको हमने प्लेस किया तो क्या किया, इसको हमने टेबल के पहले लगाया, तो चूंकि इसको हमने टेबल के पहले यूज किया, इसका नाम रखा प्रीपोजिशन। ठीक है, पहले तो इसके चूंकि जैसा ये काम किया
जिस जगह पे हमने इसको रखा उसके हिसाब से हमने इसका नाम रखा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब हुआ जिसको हम किसी चीज के पहले रखते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब हुआ हम जिसको किसी चीज के पहले रखते हैं, वो हो गया प्रीपोजिशन। समझ में आ गई बात? प्रीपोजिशन इसको क्यों कहा? क्योंकि यह किसी के पहले लिख रखा है समथिंग दैट इज यूज बिफोर और प्लेस बिफोर, जो किसी के पहले आता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड की प्रीपोजिशन, वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया कि प्रीपोजिशन कैसे बना। तो प्री प्लस पोजिशन, प्री का मतलब हुआ पहला, पहले, और पोजिशन का मतलब हुआ रखना, तो जो किसी के पहले रखा जाता है। पोजिशन का मतलब हुआ प्लेस करना, तो जो किसी के पहले रखा है। अब कह रहे किसी के पहले रखा जाता है, तो सबसे पहला होगा किसके पहले रखा जाता है। उससे भी पहला क्वेश्चन होगा कि आखिर प्रीपोजिशन होता कौन है, तो प्रीपोजिशन होता कौन है। फिर दूसरा आएगा किसके पहले रखा जाता है, किसके पहले रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। और फिर किसी के पहले आके ये करता क्या है, तो देयर विल बी थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कि सबसे पहले प्रीपोजिशन का काम करता कौन है, कौन कौन से वर्ड ऐसे जो प्रीपोजिशन हो सकते हैं। दूसरा कि ये किसके पहले रखा जाता है, किसके पहले रखा जाता है। और तीसरा किसी के पहले आकर ये करता क्या है। ठीक है, प्रीपोजिशन तो हमने इसको इसलिए कहा कि किसी के पहले रखा जाता है, लेकिन इसका सेंटेंस में काम किया है। जैसे हम देखिए ऑन जो है, ऑन आखिर क्या? अगर ऑन नहीं होता तो बुक और टेबल के बीच में रिलेशन ही नहीं पता चलता। बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, बुक और टेबल का क्या पोजीशन या टेबल का क्या पोजीशन है, पता चलता क्या? यानी बुक और टेबल में क्या रिलेशन है, पता नहीं चलता कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के बगल है। यानी बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है ये पता नहीं चलता। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये प्रीपोजिशन कर क्या रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है कि दो जो वर्ड है सेंटेंस का, वो एक दूसरे के हिसाब से कैसे रिलेटेड है, या एक दूसरे से कैसे रिलेटेड, कैसे संबंधित, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, कि दो और वो रिलेशन क्या, पोजीशन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से क्या रिलेशन है। कि अगर एक बुक दो नाउन है या दो कोई वर्ड है, तो आखिर उस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों का पोजिशन कैसा है एक दूसरे के साथ, यही तो बता रहा है। क्लियर हो गया कि पोजिशन, ये प्रीपोजिशन का काम क्या हो जा रहा है कि जो सेंटेंस में दो वर्ड यूज हो रहा है उस दो वर्ड के बीच में, किसी भी दो वर्ड हो सकता है, वो देखना पड़ता है इसमें किस दो वर्ड के बीच में, बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बन रहा है कि ऑन से, कि बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, कि बुक जो है वो टेबल के बगल में है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, कहाँ है, यही तो बता रहा, पोजिशन बात हो रही है। तो प्रीपोजिशन शब्द क्या है समझ गए। अब तीन चीज इसमें और समझना है। पहले तो हमने समझा प्रीपोजिशन को हमने प्रीपोजिशन कहा क्यों। तो प्रीपोजिशन को हमने प्रीपोजिशन इसलिए कहा कि इसमें दो वर्ड है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब हुआ पहले, पोजिशन का मतलब हुआ रखना, तो जो वर्ड किसी के पहले रखा जाता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अब इसको थोड़ी सी और गहराई में चलते हैं। प्रीपोजिशन, सबसे पहले हमें यह देखना है कि प्रीपोजिशन का काम करता कौन है, प्रीपोजिशन का काम करता कौन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कोई फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नॉर्मली क्या कहते हैं, फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही क्या कहते हैं, फ्रेज। तो सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि एक या तो कोई वर्ड या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कोई फ्रेज। क्लियर है, कोई वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी प्रीपोजिशन कौन हो सकता है, एक तो कोई वर्ड हो सकता है, और कभी जरूरी एक वर्ड ही प्रीपोजिशन हो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक फ्रेज भी जो है वो प्रीपोजिशन का काम कर सकता है। इतनी बात के लिए, कौन करता है प्रीपोजिशन का काम, कभी एक वर्ड काम करता है प्रीपोजिशन का, कभी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह भी काम कर सकता है प्रीपोजिशन की तरह। तो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर क्या है, पहले रखा जाए, प्री का मतलब क्या हुआ, पहले, कि कोई वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर किसी के पहले रखा जाए, बिफोर, प्री है इसलिए बिफोर। समझ आ रहा है मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, कि कोई वर्ड, प्रीपोजिशन कौन है, तो कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड प्रीपोजिशन होता है। अब ये वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कर रहा है, बिफोर, किसी के पहले आ रहा है। ये वर्ड क्या कर रहा है कि ये किसी दूसरे वर्ड के पहले आ रहा है। ठीक है, यूज्ड बिफोर, क्या है, यूज्ड बिफोर, ये वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, यूज्ड बिफोर। हम किसके लिए बिफोर क्यों रहा, क्योंकि ये प्री है, यूज्ड बिफोर, यूज्ड बिफोर। किसके पहले रखा जाएगा, अभी बताया था ना, जो किसी ना किसी के पहले आता है, प्रीपोजिशन किसके पहले रखा जाता है, तो ये आता है
किस यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन. इसका मतलब यह है कि अगर आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन है तो उसके बाद अगला वर्ड जो है वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है, तो प्रीपोजिशन या तो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है. वर्ड भी प्रीपोजिशन हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी प्रीपोजिशन हो सकता है. चलिए पहली बात ये होगी. दूसरी बात, इसको प्रीपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्लेस किया जाता है यूज बिफोर. कि उसको प्रीपोजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यूज बिफोर इसका इस्तेमाल पहले किया जाता है. अब किसके पहले किया जाता है, तो यूज बिफोर और नाउन और प्रोनाउन. तो आप इसका सेंटेंस डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. क्या कर सकते हैं, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड या ए प्रीपोजिशन इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. अब है कि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल क्यों होता है भाई, क्या काम है इसका नाउन और प्रोनाउन के पहले, क्या करने के लिए इस्तेमाल आता है. तो क्या करने के लिए आता है, ये दिखाने के लिए आता है कि प्लेस क्या है, पोजिशन क्या है, टाइम क्या है, मेथड क्या है, ये सब बताने के लिए आता है. क्या इसका काम होता है नाउन प्रोनाउन के आगे, आगे क्या करता है, टू शो. क्या शो करता है, क्या दिखाएगा, टू शो. टू शो क्या शो करेगा, यानी वर्ड या ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो. क्या दिखाता है, टू शो क्या शो करता है, प्लेस या टाइम. क्या क्या शो कर सकता है, प्लेस शो कर सकता है. क्या शो करता है, प्लेस, टाइम, प्लेस, टाइम. या मेथड, प्लेस, टाइम या मेथड या पोजीशन. जरा एग्जांपल समझिए, जैसे हम कहते हैं प्लेस, जैसे आपने कहा अभी लिखा था ऑन द टेबल, ये प्लेस ही तो शो कर रहा है. टाइम जैसे आप कहते हैं एट नाइट, तो टाइम ही तो शो कर रहा है. आप कह रहे हैं मेथड, जैसे कहते हैं विथ ईज, विथ ईज बड़े आसानी से. पोजीशन जैसे हम कहते हैं नियर मी या राउंड द सन, राउंड द सन तो पोजीशन ही तो हुआ. इतनी चीज नहीं, और चीजें भी दिखा सकता है, एटसेट्रा भी लिख देंगे इसमें, जरूरी नहीं कि इतनी चीजें दिखाते, कई चीजें दिखाता है. मतलब क्या हुआ कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और फिर दिखाता है उसका प्लेस या उसका टाइम या उसका मेथड या उसका पोजिशन, या फिर कि जिसके साथ आ रहा है ये रिप्लेसमेंट, दूसरे जो वर्ड्स है सेंटेंस में उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप, क्या दिखाता है. इसी को हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट में दूसरे वर्ड में लिखे तो क्या, रिलेशन विथ सम. इसी चीज को कि प्लेस टाइम मेथड अगर हम ना लिखे तो इसी को हम दूसरे शब्दों में लिखे शॉर्ट में लिखे तो रिलेशन विथ सम अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस या इन द सेंटेंस, सम अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस या इन द सेंटेंस. की सेंटेंस में ही, सेंटेंस में ही, सेंटेंस में ही जो दूसरे वर्ड होंगे उस वर्ड के साथ इसका क्या रिलेशन है. ठीक है, सेंटेंस में ही जो दूसरे वर्ड है उस वर्ड के साथ इसका क्या रिलेशन है. ठीक है, क्लियर. कि अब पूरी की पूरी बात क्लियर है ना, कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो वर्ड है सेंटेंस के, दूसरे जो वर्ड है सेंटेंस के
उसका प्लेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, मेथड के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, उसका दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो किस हिसाब से बात कर रहे हैं कि प्लेस के हिसाब से दो वर्ड में क्या रिलेशन है, टाइम के हिसाब से दो वर्ड में क्या रिलेशन है, मैनर के हिसाब से क्या रिलेशन है, पोजीशन के हिसाब से क्या रिलेशन है, इस तरह की कोई बात बता सकता है। या अगर हम इस तरह से उसको डिफाइन नहीं करना चाहे कि प्लेस, मैनर, मेथड, रीजन, कुछ भी हो सकता है ऐसा, तो ये अगर हम नहीं बताना चाह रहे हैं तो दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात क्या हो सकती है, सीधा उसको शॉर्ट में कहेंगे रिलेशन शो करते हैं, क्या करेंगे, दो वर्ड का रिलेशन शो करते हैं। तो समझ में आ गई बात, इसका मतलब प्रीपोजिशन सिंपली सेंटेंस के दो वर्ड के बीच में रिलेशन शो करता है कि किस तरह का रिलेशन है, पोजिशन, टाइम, इन सब के आधार पर। सिंपल सी बात समझ में आ गई कि दो वर्ड जो सेंटेंस का, वो पोजिशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, रीजन के हिसाब से कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड, यही शो करता है, यही इसका काम है। अब देखिए कैसे, जैसे हम कहते हैं, जरा हम सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस पढ़िएगा, इसी बात को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स, जरा ध्यान देना सारे सेंटेंस, आई एम इंटरेस्टेड इन बुक। एक सेंटेंस अभी लिखा था, द बुक इज ऑन द टेबल, या कुछ और भी लिखते, द बुक इज ऑन द टेबल। या हमने सेंटेंस लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल, या हमने सेंटेंस लिखा, द कैट जंप्ड ऑफ द बेड। अब नॉर्मली हम देख रहे हैं कि यह नाउन है, नाउन के पहले यह रखा हुआ है, प्रीपोजिशन हुआ। ये टेबल है, ये भी क्या है, नाउन है, इसके पहले ये आ गया तो ये प्रीपोजिशन है। ये बेड है, ये नाउन है, इसके पहले ये आ गया तो ये प्रीपोजिशन है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन आता है एकदम। तो ये एडवर्ब और प्रीपोजिशन में पहचानने का ये डिफरेंस भी है, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है, क्योंकि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम फॉर्म में एडवर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और वही वर्ड प्रीपोजिशन भी होता है। ये हालांकि मैंने शुरू क्लास में आपको बता रखा था, हम पहचानेंगे कैसे कि प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है। जैसे हम कहते हैं कम इन, कम इन, तो अब इसमें कोई पूछेगा इन क्या, तो बताएंगे एडवर्ब है। कम इन में अगर किसी ने पूछा इन क्या है, तो एडवर्ब है, क्यों, साफ रीजन दिख रहा है कि इन के बाद कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं। तो इन के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं, इन के बाद अगर कोई और वर्ड आया ही नहीं, तो इसका मतलब वो जो इन है वो क्या है, एडवर्ब है। और इनके बाद बुक्स आ गया, नाउन आ गया, तो ये जो इन है वो क्या है, प्रीपोजिशन है। क्लियर आ गई बात कि प्लीज कम इन, यानी अगर कोई वर्ड एडवर्ब की तरह यूज होगा तो उसके तुरंत बाद जो है नाउन वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन अगर है और उसके तुरंत बाद कोई नाउन आ गया या प्रोनाउन आ गया, तो समझ जाए प्रीपोजिशन है। अगर कोई प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। और नाउन आएगा तो अपने एडजेक्टिव के साथ भी आ सकता है, आर्टिकल के साथ भी आ सकता है। जैसे हम इन द रूम लिख रहे हैं तो द आ गया, तो आपके सर आपने तो कहा प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आता है, या तो द आ गया, तो भाई जहां नाउन आएगा उसका तो आर्टिकल और एडजेक्टिव आएगा। तो कोई अगर बोल रहा है कि नाउन आया, तो इसका मतलब अपने आप समझ जाना है कि नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव और आर्टिकल भी आ सकता है, तो वो कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं माना जाएगा, नाउन ही माना जाएगा कि नाउन के साथ वो आया हुआ है, ठीक है। यानी इंसान आया तो कहेंगे उसका दो हाथ क्यों आ गए, इंसान आएगा उसका बाल क्यों आएगा, तो इंसान आएगा उसका बाल भी आएगा, उसके हाथ भी आएंगे, उसके दांत भी आएंगे। तो आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स, अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है। ये जो इन है, ये जो इन है, ये किसको किसको रिलेट कर रहा है, एक किसके किसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, ये किसको किसको रिलेट कर रहा है, ये किसका रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये दो चीज का रिलेशन दिखा रहा है। एक इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव, इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है। और ये बुक क्या है, नाउन है, ठीक है। एक एडजेक्टिव का एक रिलेशन से क्या नाउन है, क्या रिलेशन की, आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स, यानी एडजेक्टिव, और इसको सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रीपोजिशन है, एक एडजेक्टिव और एक नाउन के बीच में रिलेशन दिखा देगा। किसके बीच में, एक एडजेक्टिव और एक नाउन के बीच में रिलेशन दिखा रहा है, या दिखा रहा है कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसका एडजेक्टिव से क्या रिलेशन है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसका एडजेक्टिव के साथ क्या रिलेशन है। प्रीपोजिशन का एक, जो प्रीपोजिशन के बाद होता है उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान, अभी मैं इसको लिखवा भी दूंगा।
तो इनके बाद क्या आ रहा है, बुक्स आ रहा है, और इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें इन क्या कर रहा है कि दो, एक एडजेक्टिव और एक नाउन के बीच में, एक एडजेक्टिव और एक नाउन के बीच में क्या रिलेशन है वो दिखा रहा है। अब दूसरा लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल अगर हम कहते हैं तो इसमें क्या कर रहा है कि ऑन रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके विषय में, टेबल और बुक के विषय में, कि बुक और टेबल का रिलेशन दिखा रही है। यानी टेबल भी क्या है, नाउन है, और बुक भी क्या है, नाउन है। टेबल भी नाउन है और बुक भी नाउन है, ये दिखा रहा रिलेशनशिप। किसके बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो दो नाउन के बीच में। यानी प्रीपोजिशन एडजेक्टिव और नाउन के बीच में रिलेशन दिखा सकता है, दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखा सकता है। या तीसरा सेंटेंस हमारे पास क्या था वो देखिए, कि द कैट जंप्ड ऑफ द बेड। जंप्ड क्या है, वर्ब है, और बेड क्या है, फिर नाउन है। और ये ऑफ बीच में दोनों को क्या कर रहा है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन ये दिखा रहा है। यानी तीसरे सेंटेंस में जो है, तीसरे पार्ट में जो है क्या हो जा रहा है, तीसरे पार्ट में क्या हो जा रहा है कि ये जो ऑफ है ये रिलेशन दिखा रहा है, ये रिलेशन दिखा रहा है किसके बीच में, जंप जो क्या है बेसिकली वर्ब है, और बेड जो बेसिकली नाउन है। ठीक है, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है वो जो दो वर्ड के बीच में रिलेशन दिखाता है, वो दो वर्ड क्या क्या हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, दो नाउन के बीच में रिलेशन दिखा सकता है, या एक वर्ब और एक, या कि जंप कूदा, कहां से कूदा भाई, तो बेड से कूदा। ठीक है, तो बेड जहां से कूदा वो बेड है नाउन, और कूदने का दूर कूदा, ऑफ का मतलब क्या, हम कहते हैं बेड से दूर कूद गया, बेड से छलांग लगा दी। तो बेड से, जैसे बिल्ली अब बेड पर होगा, आप जैसे क्लास में रूम में एंट्री करेंगे वहां से भागे कूद के, तो कूदा, और कहां से कूदा, तो बेड से कूदा। तो बिल्ली का बेड से कूदने का मतलब, बेड और से कूद कर अलग होना था, तो क्रिया एक एक्शन को करते हुए, एक्शन को परफॉर्म करते हुए क्या हुआ, बेड से अलग हो गया कूद, वो कौन था। तो एक वर्ब और एक नाउन के बीच में रिलेशन बता रहा है कि वो वर्ब जो है करके नाउन से वो दूर हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसका मतलब प्रीपोजिशन जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड को जोड़ता है, तो उसका सिंपली हमने क्या कहा, इसको ऐसे कहना चाहिए कि चूंकि हमने ये कहा है, इससे पहले हमने ये लिखा है कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। ध्यान से सुनते जाओ वर्ड कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को, किसी नाउन या प्रोनाउन को एडजेक्टिव से, वर्ब से, या किसी दूसरे नाउन से कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है, पोजीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, मैनर के हिसाब से, ये कहेंगे। समझ में आ गई बात, एकदम आसानी समझ में आ रहा है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और उस नाउन या प्रोनाउन को या तो एडजेक्टिव से, या किसी दूसरे नाउन से, या किसी वर्ब से पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन, मैनर, मेथड, टाइम, रीजन, किसी भी कारण से, किसी भी आधार पर जोड़ सकता है। समझ आगे बात, प्रीपोजिशन का काम क्या है। अब चलो आगे, तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन या कोई प्रोनाउन आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम इस प्रीपोजिशन का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। ठीक है, क्लियर है। समझ में आई बात कि ऑब्जेक्ट टू द, जो भी प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, उसको हम एक्यूटिव केस में कहेंगे। क्या कर दिया, उसका केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को केस का केस हमेशा क्या होता है, एक्यूटिव केस, एक्यूटिव केस।
तो इसको हम इसलिए आप हमेशा देखिएगा कई बार एरर आता है कि प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड यूज कर देगा जो आपको एक्यूजेटिव केस में नहीं रहता, नॉर्मेटिव केस में रहता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इससे रूल का कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा उसका जो केस होता है एक्यूजेटिव केस होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं बिलीव इन ही, यानी कि बिलीव इन ही, या कहा लुक एट आई, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन की नाउन या प्रोनाउन आता है, तो जो भी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है उस नाउन या प्रोनाउन को हम उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको, और ऑब्जेक्ट हमेशा एक्यूजेटिव केस में होता है, और ये ही जो और आई जो है क्या नॉर्मेटिव केस में, इसलिए गलत हो गया। बिलीव इन आपको हिम करना पड़ेगा और बिलीव लुक एट मी करना पड़ेगा। तो दो बातों को ध्यान में रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा, या प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है नाउन या प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन के बाद नॉर्मली नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद नॉर्मली नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, और जो नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है उसको ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहते हैं, उस नाउन का, उस प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका मतलब ये इन प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट क्या है हिम, एड प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट क्या है मी, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव केस में आता है। केस में पता रखा है एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा क्या कहते हैं एक्यूजेटिव केस में कहते हैं। इससे एक चीज और क्लियर होता है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो यह खाना बनाना है, तो अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगा तो उसमें आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर में एक छोटी सी बात होती है कि वर्ब नाउन तभी बनता है जब उसमें आईएनजी लगता है, वर्ब नाउन तभी बनता है इसको जिसमें उसमें आईएनजी लगाते हैं, तो बिना आईएनजी लगाए वर्ब नाउन नहीं बनता है। तो इसलिए कभी कभी ये गलती भी आती है कि लिख दिया आई एम इंटरेस्टेड इन रीड तो गलत हो जाएगा, क्या लिख दिया आई एम इंटरेस्टेड को लिख दिया फॉन्ड ऑफ रीड, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको कहना कि मैं पढ़ने का शौकीन हूं, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और आपने लिख दिया आई एम इंटरेस्टेड ऑफ रीड, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। रीड क्या है? वर्ब हो गया, या तो यहाँ प्रोनाउन आना चाहिए, कोई प्रोनाउन ले आए, अब इस रीड को प्रोनाउन हम बना नहीं सकते हैं, तो रीड जो वर्ब है इसको हमको क्या करना पड़ेगा नाउन बनाना पड़ेगा, तो रीड वर्ब नाउन कैसे बनेगा आईएनजी, क्योंकि ग्रामर का रूल कहता है कि वर्ब को अगर आपको नाउन बनाना उसमें आईएनजी लगा सकते हैं, इसलिए आप कहते हैं वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, लाफिंग इज गुड बोलते हैं ना ऐसा, टॉकिंग इज गुड, तो वर्ब में आईएनजी लगा के उसको हम नाउन बना सकते हैं। इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आए तो उसमें आप आईएनजी लगा दें, इसको नाउन बनाने की कोशिश की, एरर में आता है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। प्रीपोजिशन में इस तरह के सेंटेंस खूब आएंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, या आई एम इंटरेस्टेड इन कुक। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड सेम फॉर्म में नाउन भी होता है, ध्यान देना इसमें, जैसे इंटरेस्टिंग बात में बता रहा हूं, आई एम इंटरेस्टेड इन कुक या कुक्स, तो आई एम इंटरेस्टेड इन कुक चूंकि नाउन भी है और वर्ब भी है, रीड के साथ तो ऐसा नहीं है, रीड तो सिर्फ वर्ब ही है, लेकिन कुक नाउन भी है वर्ब भी है, तो कुक का मतलब खाना बनाना भी होता है और खाना बनाने वाला भी होता है, यानी कि खाना बनाने वाले को हम कुकर कह देंगे, तो कुक का मतलब खाना बनाना भी और खाना बनाने वाला भी, दोनों होता है, खाना बनाना भी और खाना बनाने वाला भी। तो अगर कोई कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन कुक्स, तो इसका मतलब होगा कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं ना उसमें मुझे बहुत मजा आता है कि वो कैसे खाना बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मतलब खाना बनाने वालों में, खाना में आपको रुचि नहीं है, खाना बनाने वाले लोगों में रुचि है। आई एम इंटरेस्टेड इन कुक्स, इसका मतलब हो गया कि जो खाना बनाने वाले लोग हैं मुझे उसमें मजा आता है, मैं उसमें रुचि लेता हूँ। और आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, इसका मतलब हो गया कि मुझे खाना बनाने में मजा आता है, खाना बनाने वाले लोग कौन है उससे मुझे कोई लेना देना, खाना बनाने वाले लोग कौन है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे खाना बनाने में मजा आता है, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो जो
वर्ड सेम फॉर्म में नाउन भी है वर्ब भी है उसमें अलग मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, अलग मीनिंग हो जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन कुक, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो अलग भाई कोई आई एम इंटरेस्टेड इन बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन बुकिंग, तो आई एम इंटरेस्टेड इन बुक क्या है इसका मतलब किताबों में आपको रुचि है, आई एम इंटरेस्टेड इन बुकिंग इसका मतलब टिकट विकट काटने में आपको रुचि है कि इसका टिकट काट देते उसका टिकट काट देते उसको ये बुक कर देते कभी होटल बुक कर देते कभी इधर उधर बुक करने में लगे रहते बात ही बदल जाएगी, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये है कि प्रीपोजिशन जो नाउन है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, चाहे आई एम इंटरेस्टेड इन बुक लिखिए चाहे आई एम इंटरेस्टेड इन बुकिंग लिखिए दोनों का अलग अलग मीनिंग हो जाएगा, लेकिन आई एम फॉन्ड ऑफ रीड नहीं हो सकता, आई एम इंटरेस्टेड इन ईट नहीं हो सकता है, आई एम इंटरेस्टेड इन ईटिंग मुझे खाना खाने में बहुत मजा आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब में आपको क्या करना है आई एन जी लगा देना है। यहां तक बात समझ में आ गई कि प्रीपोजिशन क्या है, कि एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरा काम क्या हुआ कि ये किसी के पहले रखा जाता है इसलिए इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। किसके पहले रखा जाता है तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है, यानी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है और वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसका काम क्या है कि इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसका रिलेशन सेंटेंस के किसी और वर्ड से जोड़ना होता है, दिखाना होता है कि उसका सेंटेंस के किसी और वर्ड से क्या रिलेशन होता है। और सेंटेंस का जो कोई और वर्ड होता है जिसका हम रिलेशन दिखाते हैं वो वर्ड या तो नाउन हो सकता है जिसका इसका यानी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन, एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन, या नाउन प्रोनाउन का किसी एडजेक्टिव के साथ सेंटेंस में जो कोई वर्ड एडजेक्टिव उसके साथ रिलेशन, या नाउन प्रोनाउन का किसी जो वर्ब यूज हुआ है सेंटेंस में कोई दूसरा उसके साथ रिलेशन। यही बात हुई अभी तक, इतनी ही बात होती है। अब क्या है कि हम देखते हैं प्रीपोजिशन के टाइप। अभी हम लोग बेसिक समझ रहे कि प्रीपोजिशन है क्या, काम क्या करता है सेंटेंस में, ऑरिजिन कैसे हुआ उसका, वो कैसे आया, एकदम बेसिक की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर हम प्रीपोजिशन को कैटेगरी में डिवाइड करें तो प्रीपोजिशन बेसिकली चार तरह का होता है। प्रीपोजिशन को हम चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में? फोर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ध्यान देना, प्रीपोजिशन को कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? प्रीपोजिशन को हम लोग बेसिकली चार कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो होता है सिंपल प्रीपोजिशन। एक क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन। और बेसिकली हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल प्रीपोजिशन ही पढ़ना होता है, जैसे एट, इन, ऑफ, वर्ड वाला ऑफ, विथ, फोर, सिंस, ये सब क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन है। बाय, छोटी छोटी जो प्रीपोजिशन है ये सब सिंपल सिंपल प्रीपोजिशन है। ऑन, टू, क्लियर है? सिंपल प्रीपोजिशन, उसको कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, छोटा छोटा प्रीपोजिशन, एट है, इन है, ऑफ है, वो डेवलप ऑफ है, विथ है, फोर है, सिंस है, बाय है, ऑन है, टू है, ये सब छोटे 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 जो प्रीपोजिशन है इसको कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। तो क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन। क्लियर है? अब देखो इसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है उसको हम लोग कहते हैं इसको अलग अलग लिख दूं क्या ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको पहले मैं लिख देता हूं फिर नाम लिखूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है? इसको एक्सप्लेन में बाद में करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा दूसरा, क्योंकि जगह फिर कम पड़ जाएगी, कंपाउंड प्रीपोजिशन। दूसरा क्या है? यानी एक हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरे तरह के प्रीपोजिशन को हम लोग कहते हैं, थर्ड जो प्रीपोजिशन है, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन। और चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन या पार्टिसिपियल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कुछ में आपको मिलेगा, कुछ बुक में मिलेगा क्या पार्टिसिपियल, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। क्लियर है? पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन।
तो जितने भी प्रीपोजिशन है, सबसे पहले तो प्रीपोजिशन एक वर्ड ही प्रीपोजिशन हो, हमेशा ऐसा नहीं है। शुरू में ही हमने देखा कि प्रीपोजिशन का काम वर्ड एक वर्ड भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कर सकता है, ये पहले ही हमने देख लिया। और जब प्रीपोजिशन को कैटेगराइज किया कि किस किस तरह के वर्ड प्रीपोजिशन का काम कर सकते हैं, तो देखा गया कि अगर काम के आधार पर या रूट के देखा कि कुछ प्रीपोजिशन ऐसे जो एक वर्ड जो है, छोटे छोटे वर्ड जो है वो भी प्रीपोजिशन का काम कर सकते हैं, उसको प्रीपोजिशन का। कुछ देखा कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कुछ देखा फ्रेज प्रीपोजिशन है, और कुछ देखा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है या पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन है। अब इसको समझना है क्या है, एक तो समझ लिया कि सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, छोटे छोटे वर्ड एक दो लेटर के जो वर्ड बने हैं वो सारे क्या है आपको सिंपल प्रीपोजिशन है। अब हम देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसको कहा, एक एक करके देखते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन में आप समझ रहे हैं कि कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना या ऐड करना, जोड़ना या ऐड करना है तो कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, ऐड करना, कुछ ऐड आपने किया। तो क्या ऐड कर सकते, हो सकता है ए आपने ऐड कर दिया, जिसका मतलब क्या हो सकता है, ए अगर प्रीफिक्स है, ध्यान रखना ए अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स में ए का मतलब कभी कभी इन भी होता है, कभी कभी ऑन भी होता है, कभी कभी नो भी होता है, ध्यान रखना ये सब बात है। कि ए जब किसी चीज में प्रीफिक्स की तरह जुड़ता है प्रीफिक्स, कि ए जब किसी दूसरे वर्ड के साथ प्रीफिक्स की तरह जुड़ता है तो कभी इसका मतलब इन होता है, कभी ऑन होता है, कभी नो होता है, ऐसा कुछ मीनिंग हो सकता है। या कभी कभी बी ऐड करते हैं, बी बी ऐड करने से उसका मतलब क्या होता है, बाय, बाय का मतलब क्या हो जाएगा, अगल बगल नजदीक। तो इन सब को प्रीफिक्स की तरह अगर हम यूज करते हैं और कोई वर्ड बन जाता है, उसे देखने में नहीं लगा, देखने में लगा वन वर्ड ही है, ठीक है, देखने में क्या लगेगा, जैसे ये जो था सिंपल प्रीपोजिशन, इसको हम नॉर्मली कह सकते हैं वन वर्ड प्रीपोजिशन। तो जनरली एक वर्ड का यहां ध्यान देना, एकदम छोटी सी बात को अच्छे से ध्यान देना, कि जो कंपाउंड प्रीपोजिशन भी होता है वो भी वन वर्ड ही होता है। जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है वो देखने में सकल सूरत से आपको वन वर्ड प्रीपोजिशन ही लगेगा। तो फिर उसको एक को सिंपल कह रहे हैं और एक को कंपाउंड कह रहे हैं, ऐसा क्यों, इसी को समझ, इसलिए पहले मैंने ये चीज लिखी है। क्या चीज लिखा है कि पहले ये समझिए कि ए एक प्रीफिक्स भी हो सकता है, जिसका मतलब ऑन हो सकता है, नो हो सकता है, इन हो सकता है। बी एक प्रीपोजिशन हो सकता है, एक प्रीफिक्स हो सकता है, जिसका मतलब बाय हो सकता है। ये वर्ड अगर किसी के साथ ऐड हो गया, जुड़ा, और तब कोई वर्ड बना, इसलिए उसको कंपाउंड होता, उसमें एक ही वर्ड है लेकिन उस एक वर्ड के दो पार्ट है। जरा इसको आप मीनिंग समझो, जैसे हम कहते हैं क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना। अब इसमें जोड़ दिया ए तो क्या बन गया, एक क्रॉस। हम कहते हैं मिड, मिड का मतलब क्या हुआ, बीच में, इसमें जोड़ दिया ए तो हो गया एमिड। तो अब ये एक क्रॉस और एमिड जो है दो वर्ड से मिला है, ए और मिड से बना है, इसलिए ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। एक्रॉस अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये हम कहते हैं Among, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन, या हम कहते हैं amongst, तो ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन। या हम कहते हैं beside, या हम कहते हैं inside, या हम कहते हैं outside, या हम कहते हैं within, तो ये सारे जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन है। क्या है ये, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। या इस तरह के वर्ड लिखते हैं, कभी आपने सुना होगा बीनीथ, हालांकि बीनीथ आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बीनीथ, अंडरनीथ, लेकिन अब समझ तो गए कि ये अगर होगा तो ये होगा कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो वर्ड साफ साफ दिख रहे हैं, एक अंडर दिख रहा है, एक बीनीथ दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, एक बीनीथ दिख रहा है। या हम लिख रहे हैं बिसाइड, बिसाइड लिखा क्या, इधर बिसाइड नहीं लिखा है। या हम लिखते हैं बिसाइड्स, या हम लिखते हैं बिटवीन, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। हमने कहा बिफोर, सॉरी कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया बिफोर, ये सब के सब कंपाउंड प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसमें ए या बी जो है वो किस तरह से लिखा है, एक प्रीफिक्स की तरह। हम लिखते हैं अराउंड, हम लिखते हैं अगेंस्ट, हम लिखते हैं अबव,
हमने लिखा अबाउट, ये सारे के सारे जो है ये आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। सब सारे के सारे क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है सारे के सारे, क्योंकि इसमें ए या बी जो है वो एक प्रीफिक्स की तरह लगा है जो, और ये प्रीफिक्स हो सकता है किसी नाउन के साथ लगा हो, जैसे ये साइड क्या है, नाउन है, क्रॉस क्या है, जब नाउन के साथ लग गया हो या एडजेक्टिव के साथ लग गया हो या फिर किसी वर्ब के साथ लग गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ऐड होता है वो किसी के साथ भी ऐड हो जाता है, ठीक है, किसी के साथ भी ऐड हो सकता है। हो सकता है नाउन के साथ ऐड हो गया हो, ये तो नाउन साइड नाउन ही तो है, साइड नाउन ये तो, ये जो प्रीफिक्स है, ये जो प्रीफिक्स हम लोग ऐड करते हैं इस प्रीफिक्स के बाद हो सकता है कि नाउन में ये प्रीफिक्स लग गया हो या फिर किसी एडजेक्टिव में ये प्रीफिक्स लग गया हो, किसी में भी जगह लग सकता है। सिर्फ फोर का मतलब क्या था, सामने, एडजेक्टिव तो यूज होता है सामने किसी की बात कर रहे था। तो किसी नाउन में प्रीफिक्स लग गया हो, किसी एडजेक्टिव में प्रीफिक्स लग गया हो, किसी वर्ब में प्रीफिक्स लग गया हो, कैसा कौन सा प्रीफिक्स, ए या बी, और एक पोजिशन, लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम वगैरह बताना शुरू कर दिया हो, तो इस तरह के प्रीपोजिशन को हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहेंगे। ध्यान है कि किसी नाउन में, किसी एडजेक्टिव में, वैसे इतना इतना डिटेल में नहीं भी ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाए, तो एग्जाम्पल देख के समझ जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रीपोजिशन कौन सा है, उसमें ए या बी जो है वो क्या करता है, या किसी में विथ, अभी देखिए विद इन में क्या किया, विथ लगा दिया तो विथ इसमें ऐड हुआ। अभी भी आपने अंडरनीथ में क्या किया, अंडर लगा रखा है, ऐड किया, जरूरी कि ए और बी ही हो, अंडरनीथ में देखो अंडर ऐड है, या हम कहते हैं बीनीथ में देखो बी ऐड है, हम कहते हैं बिलो, तो बिलो में क्या है, लो के साथ आप लो क्या एडजेक्टिव है, उसमें आपने क्या ऐड किया, बिलो, ठीक है। तो अबव में आपके क्या क्या ये ऐड किया, अबाउट, तो इसमें जरूरी नहीं है कि ए और बी है, तो एग्जाम्पल लिख रखा था ए कि अधिकांश में ए है, किसी में हमने क्या किया, आउट ऐड किया है, किसी में हमने क्या किया, विद विद ऐड किया है, किसी में हमने क्या किया, इन ऐड किया है, इनसाइड लिखा होगा कहीं, देखो यहाँ इन ऐड किया है। तो जरूरी कि ए और बी, प्रीफिक्स हमारा इन भी हो सकता है, प्रीफिक्स हमारा आउट भी हो सकता है, प्रीफिक्स हमारा विद भी हो सकता है। तो जो प्रीफिक्स आपने अगर किसी, यदि एक प्रीफिक्स को जोड़कर, एक प्रीफिक्स को जोड़कर अगर कोई प्रीपोजिशन बना है, यानी अगर किसी प्रीपोजिशन के दो पार्ट है, एक प्रीफिक्स भी है उसमें जुड़ा हुआ, तो फिर वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन। के सिंपल सा समझना है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन उसको कहेंगे इसमें कोई ना कोई प्रीफिक्स जुड़ा हो, चाहे ए जुड़ा हो, चाहे बी जुड़ा हो, चाहे विथ जुड़ा हो, चाहे आउट जुड़ा हो, चाहे इन जुड़ा हो, कोई ना कोई उसमें प्रीफिक्स जुड़ा रहता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन सिंपल में क्या है कि कुछ उसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता, इसे सिंपल दिख रहा है, इसमें कुछ भी जुड़ा नहीं है, ऑफ है, सिंस है, ऑन है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं है, आउट है, विथ तो लिखे रखा है, इसमें कुछ बाहर से नहीं जुड़ा, अप है, डाउन है, कुछ भी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। समझ में आ गया, सिंपल और कंपाउंड समझ जाएंगे। सिंपल बस एक वर्ड का होता है और कंपाउंड उसमें होता है जिसमें कोई ना कोई प्रीफिक्स जुड़ा होता है। उसके बाद है फ्रेज, तीसरा क्या था, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या होता है, नॉर्मली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज प्रीपोजिशन में कि वर्ड्स का समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एक अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके प्रीपोजिशन का काम करे तो उसको हम फिर फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, सुना होगा आपने अकॉर्डिंग टू, तो दो वर्ड हो गया अकॉर्डिंग और टू। कुछ लोग इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन समझ लेते हैं, ये कंपाउंड, इसको फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं कि उसमें एक से अधिक वर्ड है। उसमें क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है कि एक ही वर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, दूसरा पार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, कंपाउंड उसको कहते हैं। और इसमें वर्ड ही दो होता है एक से अधिक, अकॉर्डिंग टू, या हम कहते हैं विथ अ व्यू टू, या हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ, या हम कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू, या हम कहते हैं बाय डिंट ऑफ। इसमें से कई को तो आपने idiom में याद किया होगा, बाय मीन्स ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ। कभी कभी इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि किसी पार्ट को छोड़ देगा, जिससे इन अकॉर्डेंस विथ है, इन को छोड़ देगा आपको कहेगा फिल करने के लिए, या विथ को छोड़ देगा आपको आपको फिल करने के लिए, या अकॉर्डिंग के साथ टू है आपको टू के बदले कुछ और लिख देगा, विथ ऑफ यू टू है टू की जगह कुछ ऐसा भी कर सकता है, या तो आपको कहेगा फिल करने के लिए खाली जगह छोड़ देगा विथ ऑफ यू, आप क्या भरना आप भरिए विथ ऑफ यू, उसके बाद में टू लिखा ही नहीं, ऐसा भी कर सकता है, इन स्पाइट ऑफ लिखा ऑफ को छोड़ देगा, लुक फॉरवर्ड टू टू छोड़ देगा, इसलिए इन सारे वर्ड को ध्यान में रखना है, ऑन या इन बिहाफ ऑफ, ऑन या इन बिहाफ ऑफ, या आपने सुना होगा ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, या हम कहते हैं इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, या आपने सुना होगा इन ल्यू ऑफ, ये सब इसमें कई वर्ड है जो आपने idiom में यूज किया होगा, इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या के बदले, या आप कहते हैं इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ किसी के बदले, इंस्टीड ऑफ के बजाय, या आप कहते हैं इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, या आप कहते हैं बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, या आप कहते हैं ड्यू टू, या आप कहते हैं ओइंग टू, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ये सारे के सारे हैं फ्रेज प्रीपोजिशन है, सारे के सारे क्या है फ्रेज प्रीपोजिशन है, जिसमें ये क्या करता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो किसका काम कर सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो प्रीपोजिशन का काम करता है, यानी पोजिशन लोकेशन डायरेक्शन टाइम वगैरह बता सकता है, ध्यान रह जाएगा ये सारे के सारे क्या हो गए आपको फ्रेज प्रीपोजिशन हो गए, जिसमें फ्रेज प्रीपोजिशन में क्या होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से अधिक शब्द होते हैं और वो एक से अधिक शब्द मिलकर क्या करता है प्रीपोजिशन का काम करता है, क्लियर कोई दिक्कत नहीं। और चौथा था पार्टिसिपियल, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन या पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, आप चाहे सीपीएल कह लीजिए पार्टिसिपल कह लीजिए एक ही बात है, ओह टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया लेकिन अब इसको खत्म ही कर लेते हैं, पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन या पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन जो है वो एक्चुअली बेसिकली होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर प्रीपोजिशन का काम करे, यानी ये पोजिशन लोकेशन डायरेक्शन काउज टाइम ये सब बताए, कारण बताए पोजिशन बताए लोकेशन बताए कुछ भी रीजन बताए पर्पस बताए, इस तरह का काम करने लग जाए तो फिर ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल खास करके, कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या बताया क्या होता है वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब प्लस आईएनजी हो और वो प्रीपोजिशन जैसा काम करने लगे, इसे कौन सा वर्ड होता है कंसीडरिंग, आपने कई बार देखा होगा कई सेंटेंस कंसीडरिंग से शुरू होता है, या कई सेंटेंस जो है आपको रिगार्डिंग से शुरू होगा, या कई वर्ड जो है पेंडिंग से शुरू होगा, सेंटेंस ही पेंडिंग से शुरू होगा, सेंटेंस ही पेंडिंग से ही शुरू होगा। तो अगर हम लिखते हैं बारिंग, बारिंग, तो ये सब क्या है आईएनजी लगा है, सब में आईएनजी लगा है और इनसे कई बार आपको सेंटेंस शुरू होगा, लेकिन टचिंग ऐसा हो सकता है कि इन सारे वर्ड से कोई सेंटेंस आपको शुरू हो, ये पॉसिबल है कि इन सारे वर्ड से क्या होता है कोई सेंटेंस आपका शुरू हो। या कंसर्निंग कुछ भी हो सकता है, ज्यादा नहीं है इसमें वर्ड, तो इन सब से अगर आपका कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है कंसर्निंग कंसीडरिंग रिगार्डिंग पेंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये पूरा वर्ड है एक, नॉट विथ स्टैंडिंग एक वर्ड है, अलग अलग में समझना इसको, नॉट विथ स्टैंडिंग, यहां थोड़ा सा गैप जैसा लग रहा है तो गैप नहीं है, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है तो भी फिर भी, तो भी फिर भी, जैसे आपने कहा सेंटेंस लिखा कंसीडरिंग हिज एज
I did not hurt him. Yeah, I did not reply him. Considering his age, I did not hurt him. कि उसके एज को ध्यान में रखते हुए, क्या करते हुए, उसके एज को ध्यान में रखते हुए कोई कहेगा उसके एज के मद्देनजर मैंने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी उसको आप क्या, उसके एज को, यानी उसके नुकसान नहीं पहुंचाने का कारण क्या था, उसके एज को ध्यान में रखते हुए, या कंसर्निंग माय हेल्थ, कंसर्निंग हिज हेल्थ, उसके उसके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग माय हेल्प, कि मेरे मदद को भी ध्यान में नहीं रखते हुए, क्योंकि नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब क्या हुआ, तो भी फिर भी. तो इन सब वर्ड का इस्तेमाल अगर हम करते हैं सेंटेंस के शुरू में, जनरली इन सबसे सेंटेंस को शुरू ये जितने भी वर्ड्स आपने लिखा, पार्टिसिपल ज्यादा नहीं है, इस तरह के वर्ड्स कंसीडरिंग है, रिगार्डिंग है, पेंडिंग है, बारिंग, जैसे टचिंग हिज हैंड आई वुड, कि उसके हाथ को छूते हुए मैंने कसम खाया, ठीक है. तो ये सब जो वर्ड है, बारिंग हिज एज एवरीथिंग इज फाइन, बस उसको उम्र को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ ठीक ठाक है, बारिंग हिज एज एवरीथिंग इज फाइन, आप क्या कहना चाहते हो, बस उसके एज को छोड़ दे सिवाय या छोड़कर, बारिंग का मतलब क्या हुआ, मीनिंग सबका ध्यान रखें, रिगार्डिंग का मतलब हुआ केस संबंध में, पेंडिंग का तो मतलब समझिए जो टाला हुआ है, कंसिडरिंग का मतलब किसी चीज को ध्यान में रखे हुए किसी चीज के मद्देनजर, बारिंग का मतलब किसी चीज को छोड़ दिया जाए सिवाय या छोड़कर, टचिंग का मतलब क्या छूते हुए, कंसर्निंग का मतलब हुआ संबंधित या चिंता करते हुए किसी चीज का, तो संबंधित ज्यादा यूज होता है, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग का मतलब हुआ तो भी फिर भी, ठीक है. जैसे हमने कहा नॉट विथ स्टैंडिंग हिज हाई वोल्टेज ड्रामा आई डिडंट बिलीव इन हिम, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज ड्रामा आई डिडंट बिलीव इन, कि उसके ड्रामा को ध्यान में रखते तो भी, उसके ड्रामा के बावजूद भी, ड्रामा कितने ड्रामा करने के बावजूद मुझे उसका भरोसा नहीं है, तो नॉट विस्टैंडिंग का मतलब तो भी फिर भी. तो ये सारे जो वर्ड है, ये सारे आई एन जी वाले वर्ड है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरह यूज होता है. अब इसको participle preposition कहते हैं. ये चार तरह के preposition आपके होते हैं. Exam में इन सब को उतना जानना important नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस तरह के error में इन सब का कोई role नहीं है, ध्यान रखना कि error में जो है participle preposition का कोई role नहीं है, error में नहीं आएगा. ये तो पहचानने के लिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया इतना डिटेल में, कि पहचानेंगे कि preposition ये भी है, CDS वगैरह के एग्जाम में क्या है, कभी कभी ये आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, तो वहाँ धोखा हो जाता है, या कुछ और भी एग्जाम जो आपके हैं उसमें भी आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने के लिए, तो ठीक से पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने. बेसिकली जो पढ़ना होता है हमें, वो पढ़ना होता है कि जो सिंपल प्रीपोजिशन है और जो कंपाउंड प्रीपोजिशन, उनके यूज, ठीक है, जिसका यूज हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, जैसे एट है, इन है, इनटू है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, बिटवीन है, अमंग है, इसका यूज. एक पार्ट तो ये होता है, इसको पढ़ना होता है, जिसको पढ़ने में आपको एक दो क्लास लगेगा. और उसके बाद जो फिक्स प्रीपोजिशन है, कि कुछ वर्ड्स है उसका प्रीपोजिशन फिक्स है, तो वही आएगा एग्जाम में. 70% क्वेश्चन वैसा ही रहता है, कि मान लो कॉन्ग्रेचुलेट है उसका क्या प्रीपोजिशन है, बायस्ड है उसका क्या प्रीपोजिशन है. तो कुछ जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं. तो पहले तो हमें जो सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन का यूज सीखना है, कि एट, इनटू, बिसाइड, बिसाइड्स, बिलो, अंडर, अबव, इसका क्या यूज होता है, और उसके बाद हमें कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी देखने हैं, दोनों को हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ आपसे.